लाइंस एंड एंगल्स का आज मैं पार्ट थ्री बता रही हूँ। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा तो पार्ट वन और पार्ट टू समझ लें। उसके बाद पेयर्स ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। टू लाइंस दैट मीट एट ए पॉइंट आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। द पॉइंट वेयर दे मीट इन इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब यहाँ देखो, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। कितने एंगल बना रही है? चार एंगल बना रही है। एंगल वन, टू, थ्री, फोर, और ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं। टू लाइन्स कैन मीट एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। ठीक है, एक ही पॉइंट पे एक दूसरे से मीट कर सकते हैं दो लाइन। अब आया ट्रांसवर्सल, ए लाइन दैट कट अक्रॉस और पासिस थ्रू टू अदर लाइन्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे पास करनी चाहिए, इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पर है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, यहाँ देखो ये दो लाइन दे रखी है, एक लाइन ये एक लाइन, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन इट फॉर्म्स एंगल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां जहां पर वो काट रही है वहां वहां पर एंगल बनाए। जैसे यहां पर काट रही है, यहां पर एक एंगल, यहां पर काट रही है तो यहां पर एक एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल देखो अगर तुम, तो दोनों लाइन के अंदर है। क्या बोलेंगे इसे? इंटीरियर एंगल। अंदर की तरफ है तो क्या बोलेंगे? इंटीरियर एंगल, और सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब दूसरा जो एंगल बनाएगी है ऐसे, ये दोनों क्या है? दोनों लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर क्यों? देखो एक तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बने हुए हैं और दोनों लेकिन लाइन के अंदर की तरफ ही बने हुए हैं, तो इसे हम बोल देते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, दे लाई बिटवीन द लाइन, दोनों लाइन के बीच में बन रहे हैं। दे लाई ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड और एक इस साइड। अब ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अगर यहां देखो ये दोनों लाइन और ये ट्रांसवर्सल है, दोनों के एंगल कहां बन रहे हैं? बाहर की तरफ, ए और ये बी, और दोनों ट्रांसवर्सल के अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। इफ वन एक्सटीरियर एंगल लाई अबव द लाइन, देखो ऊपर है, देन इट्स ऑल्टरनेट एंगल वुड लाई बिलो द लाइन। ये एवब हो गया, ये बिलो हो गया। ठीक है, दे लाई ऑन द अपोजिट साइड, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। ठीक है, ऑफ द ट्रांसवर्सल। अब आए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां पर देखो ये दोनों लाइन्स हैं और ये ट्रांसवर्सल बनी हुई है, ये एंगल ए और ये एंगल बी। दे डू नॉट लाई बिटवीन द लाइन्स, लाइन के बीच में तो नहीं बन रहे हैं। ठीक है, बट आर एट द करस्पॉन्डिंग पोजिशन, एक ऊपर और एक अंदर। ठीक है, ईच लाइन, बोथ द एंगल्स आर आइदर एबव द लाइन्स और बोथ आर बिलो द लाइन्स। ठीक, दे लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, दोनों एक ही साइड पे बन रहे हैं। और ये देखो अगर फिगर तुम फाइंड आउट करना चाहो तो ये एफ बना रहा है। एफ किसी भी पोजिशन बना सकता है, ऐसे भी एफ बन सकता है, ऐसे भी एफ बन सकता है, ऐसे भी एफ बन सकता है। ठीक है, तो वो केवल बोले जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक ऊपर और एक नीचे।